जिला जिला में मैं दौरा कर रही हूँ। इसी में आज कन्नौज जिले में आई थी और आज जिले स्तरीय का बैठक है। तो इस बैठक में हम लोग का यही बात हुई कि सबसे पहले पहचान पत्र बनाना ज़रूरी है, इसको प्राथमिकता दिया जाए। और पहचान जब तक पहचान पत्र नहीं बनेगा तब तक हम लोग का जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका हम लोग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अभी तक दुर्भाग्य है कि अभी तक कन्नौज जिला में एक भी आवेदन नहीं आया। और मैं हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसमें काम करके इसको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देंगे। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे योगी जी माननीय, हमारे SSP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें बहुत गंभीरता से इसको ले रहे हैं और किन्नर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए ही किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। इसी तहत अब किन्नर लोग भी आप धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और इसमें काम कर रहे हैं। और हम यही कहना चाहती हूँ कि समानता के अधिकार, सभी को समानता के अधिकार है। जब हम किन्नर समाज भी हर टैक्स हम लोग पे करते हैं तो हम लोग को भी जैसे सभी महिला पुरुष का जो अधिकार है वो हमको भी अधिकार मिलना चाहिए और अधिकार मिल भी रही है, इसमें काम भी हो रही है। और जैसे किन्नरों के लिए अलग वार्ड के लिए आज प्रस्ताव हुई और किन्नरों के लिए अलग शौचालय के लिए बात हुई और शैक्षिक संस्थाओं में भी किन्नरों के लिए उस संरक्षण की बात हुई, जैसे रैंकिंग हुआ, जैसे उनके साथ कमेंट होती है, भेदभाव होती है, उसके लिए संरक्षण का बात हुई। इस सारे मुद्दे पे आज इस बैठक में चर्चा हुई। जिला जिला में मैं दौरा कर रही हूँ, इसी में आज कन्नौज जिले में आई थी और आज जिले स्तरीय का बैठक है। तो इस बैठक में हम लोग का यही बात हुई कि सबसे पहले पहचान पत्र बनाना ज़रूरी है, इसको प्राथमिकता दिया जाए। और पहचान जब तक पहचान पत्र नहीं बनेगा तब तक हम लोग का जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका हम लोग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अभी तक दुर्भाग्य है कि अभी तक कन्नौज जिला में एक भी आवेदन नहीं आया। और मैं हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसमें काम करके इसको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देंगे। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे योगी जी माननीय, हमारे SSP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें बहुत गंभीरता से इसको ले रहे हैं और किन्नर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए ही किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। इसी तहत अब किन्नर लोग भी आप धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और इसमें काम कर रहे हैं। और हम यही कहना चाहती हूँ कि समानता के अधिकार, सभी को समानता के अधिकार है। जब हम किन्नर समाज भी हर टैक्स हम लोग पे करते हैं तो हम लोग को भी जैसे सभी महिला पुरुष का जो अधिकार है वो हमको भी अधिकार मिलना चाहिए और अधिकार मिल भी रही है, इसमें काम भी हो रही है। और जैसे किन्नरों के लिए अलग वार्ड के लिए आज प्रस्ताव हुई और किन्नरों के लिए अलग शौचालय के लिए बात हुई और शैक्षिक संस्थाओं में भी किन्नरों के लिए उस संरक्षण की बात हुई, जैसे रैंकिंग हुआ, जैसे उनके साथ कमेंट होती है, भेदभाव होती है, उसके लिए संरक्षण का बात हुई। इस सारे मुद्दे पे आज इस बैठक में चर्चा हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।